सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, 27 जुलाई और 28 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है और इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। समय इसका समथिंग 2 घंटे के आसपास है, पर पूरा जो ग्रहण का समय है ये 4 घंटे का रहेगा। 2 घंटे इसका जो मध्य का समय है वो 2 घंटे के आसपास का है, परंतु इसके जो पूरे ग्रहण का जो समय है वो 4 घंटे का रहेगा। इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा दोपहर में 2:30 बजे से, 27 तारीख की दोपहर में 2:30 से। तो अब 12 राशि के जो जातक हैं, इन राशि के जातकों का क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां होंगी, आज हम यही समझने का प्रयास करें। परेशान मत होइएगा, उपाय हैं, उपाय करिएगा। ग्रहण है, इस ग्रहण का दोष दूर होगा आपके उपाय से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। आपके लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा समय लेकर के नहीं आ रहा है। मेष राशि के जो जातक हैं, इनको शारीरिक पीड़ाएं, समस्याएं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, सचेत रहेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। संतान संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और कुछ गुप्त चिंताएं जिनको आप अपने मन में ही समेट करके रखे हुए हैं, इन चिंताओं से भी आपको हानियां हो सकती हैं, आप सचेत रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के विषय में अगर बात करें तो जय जय है आपकी, अर्थात सुख और लाभ आपको दोनों प्राप्त होने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए स्त्री पति इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद भी हो सकते हैं और दोनों को किसी न किसी को, पति या पत्नी दोनों को कष्ट भी हो सकते हैं, सचेत रहेंगे। सिंह राशि के जो जातक हैं, ये सिंह राशि के जातकों को रोग कष्ट और भय उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि के जो जातक हैं, मान हानि इनको प्राप्त हो सकती है और इसके साथ साथ खर्च में भी इनकी वृद्धि हो सकती है। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि के जातक खूब आनंद उठा रहे हैं और खूब आनंद भी आगे उठाएंगे। जो कार्यों को सोच करके आप बैठे हुए हैं, उन कार्यों की आपकी पूर्ति होगी, उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए धन लाभ का योग लेकर के ये ग्रहण आ रहा है, आपको धन लाभ होगा। बात करें धनुराशि के जो जातक हैं, तो धनुराशि के जातकों को धन हानि हो सकती है और अनायास यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। मकर राशि के जातक, चोट लग सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है और इसके साथ साथ में आर्थिक समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनको भी धन हानि का योग दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जातक भी थोड़ा सा सचेत रहें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। जी हाँ, मीन राशि के जातक, इनके भाग्य की उन्नति होने वाली है, भाग्य का परिवर्तन होने वाला है। जो काम अभी तक नहीं हो रहे थे, इस ग्रहण के बाद से वह काम भी प्रारंभ होने लगेंगे और 3 महीने अर्थात 90 दिन का समय यह ग्रहण लेकर के आ रहा है। 90 दिनों में आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तो जिन जिन राशियों को मैंने बताया है, मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इन राशियों को हानियां और लाभ की जो प्राप्ति होगी, मिथुन हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक और मीन, इन राशियों को लाभ की प्राप्ति होगी। अब जिसको हानियां हैं वो भी परेशान ना हो, वो ज़्यादा चिंता ना करें कि अब मेरी राशि में ऐसा है तो मुझे हानि होगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो ऋषियों, महर्षियों, मुनियों ने सुंदर उपदेश बता रखे, उन उपदेशों का आपको पालन करना है। ग्रहण के समय, ग्रहण से पहले और ग्रहण के मध्य में और ग्रहण के बाद
तीन तरह के दान आपको करने हैं। दान में विशेष कुछ नहीं करना है, सफ़ेद वस्तु अपने ऊपर से उतार करके, चावल है, फूल है, इस तरह से दूध है, इसको लेकर के ग्रहण के बाद में किसी मांगने वाले को, किसी भिखारी को आपको दान में देना है। मंदिर में जा कर के दान दे करके आना है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और इस तरह से अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, सफलतापूर्वक आप दान भी दे सकते हैं, अरिष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ऋषियों ने गायत्री मंत्र बताया है तो गायत्री मंत्र का आपको दान करना है, गौ का दान करना है आदि अनेक विधान बताए गए हैं। आप ऐसा करेंगे तो जो अरिष्टता है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और मित्रों, बहुत से मेरे भक्तों के फोन आए हैं विदेशों से भी और देश से भी, जिसमें गुजरात हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ से बहुत फोन आए हुए हैं कि गुरुजी श्रावण का महीना कैसा जाएगा। और जैसे आपने पुरुषोत्तम मास में मुझे कथा सुनाई थी, श्रावण में आप नहीं सुनाएंगे, मैंने उनको आश्वासन दिया हुआ है कि जिस तरह से मैंने पुरुषोत्तम मास में आपको एक महीने तक कथा सुनाई थी, उसी तरह से एक महीने तक मैं श्रावण मास की भी आपको कथा जरूर सुनाऊंगा और उस कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने इस शिव पुराण को गाया है, उस शिव पुराण को हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे, आपको रोज एक नई कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।